संदेश न्यूज कलम की ताकत।
गुम हो जाने की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि आप ये सोच कर लोगों की एक बार आपका मोबाइल गुम हो जाए तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर ही कट गए, क्योंकि आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर, और कई बार वो किसी की लापरवाही से भी गुम हो जाता है, कई बार वो जानबूझ कर उस मोबाइल को गायब कर देता है, उस तरह की बात करता है। और अमूमन आदमी इसमें मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज कराने से भी राइट कर जाता है, उसको लगता है कि मेरे से खो गया, वो श्योर नहीं होता कि उसका मोबाइल खोया कहाँ, वो ऑफिस में छूट गया या बाजार में छूट गया या गाड़ी में रह गया था, तो वो एक्चुअली वो श्योर भी नहीं होता। इन कुल मिलाकर के उसका मोबाइल करके उसके लिए एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी भी है और उसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, वो मिस हो जाती है और वो फिर बहुत परेशान होता है। तो अमूमन ये पुलिस के जो रोज़मर्रा के काम है, क्राइम के, लैंड ऑर्डर के, वो सारे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो उसको ये काम छूट जाता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम, खासतौर से योगेश जी, विमल गुप्ता जी, इन्होंने कहा कि साहब कोरोना काल में हम क्या करेंगे, टीम तो कोरोना के टाइम में इस टीम के पास करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं। ऑपरेशन क्लीन शीट को भी एक बार होल्ड पर डाला गया था कि इस समय क्लीन शीट ठीक रहिए, क्योंकि लोगों को जाएंगे, कॉन्टैक्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो इस टीम ने इस टास्क को अपने हाथ में लिया, सी एस टी टीम हमारी है जो पहले क्लीन शीट कर रही थी, उसने इस टास्क को अपने हाथ में लिया कि हम लोगों के जो मिसिंग मोबाइल है, उस मोबाइल को जो हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से ट्रैक करके और उस मोबाइल को बरामद करने का हम काम करेंगे। इस पूरे को करते हुए मुझे खुशी हुई ये बताने में कि केवल 3 महीने के समय में, मात्र 3 महीने के समय में, इन लोगों ने लगभग 2200 के आसपास मोबाइल बनाए, जिसमें 1407 मोबाइल तो ये हैं जिसको कि आज वितरित किया था, 1432 मोबाइल दिए हैं, बाकी 800 मोबाइल ऐसे हैं जो कि थाना स्तर पे ही बरामद होते गए, कहीं प्रेसिंग नीड थी, लेने वाला स्वयं आ गया, एक साथ जल्दी हमें दे दो, जल्दी हमें दे दो, तो लगभग 800 मोबाइल लोगों को दिए जा चुके हैं और 1432 मोबाइल आज उनको दिए जा रहे हैं। तो लगभग 2200 के आसपास मोबाइल इन लोगों ने पिछले 3 महीने में बरामद किए हैं। वैल्यू के हिसाब से देखें ये सारे स्मार्टफोन हैं, इसमें कोई भी कीपैड वाला फ़ोन नहीं है, सारे स्मार्टफोन हैं। एवरेज अगर एक मोबाइल की कीमत 15-20 हज़ार भी मान लिया तो ये 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक के मोबाइल फोन बरामद हुए। लेकिन वैल्यू मनी से ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जिनको भी हमने बताया कि साहब आपका मोबाइल मिल गया है, तो उसके ऐसी जान में जान आई है कि पता नहीं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, कुछ उसकी पर्सनल चीज़ें भी होंगी, कुछ ऐसे मेमोरेबल फोटोग्राफ जो दोबारा वो क्रिएट नहीं कर सकता है, घर का कोई ऐसी चीज़ है फोटोग्राफ जो दोबारा हो नहीं सकती, तो उन सारी चीज़ों को नोट करके उनके अंदर था कि साहब किसी भी तरीके से मोबाइल हमें वापस मिले। और ये एक अभियान चलाया गया, इस अभियान में पिछले 3 महीने में ये मोबाइल बरामद हुए, जो आज उनके मोबाइल में कुछ मोबाइल यहाँ पे दिए जाएंगे, बाकी सारे मोबाइल की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वो संबंधित DCPs के पास भेजे जाएंगे और वहाँ से DCPs अपने SHO और चीफ कॉन्स्टेबल के माध्यम से इनके मोबाइल में उनके लिए वापस किए जाएंगे। मोबाइल ये जो ट्रेस करने के बाद में एक बार जैसे पुलिस ने अपने टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल टीम से जरिए तय कर लिया कि ये मोबाइल आज की तारीख में ऑपरेशनल है और कहाँ पे है, तो इस कोरोना पीरियड में जो CST टीम है वो लगातार लूप करती रही और एक बार ये बात आई मेरे तक जो है कि साहब हम मोबाइल बरामद करने जा रहे हैं तो कैसे बरामद करें, तो हमने कहा जब आदमी मिल जाए तो सामने प्लास्टिक का कोई थैला ले जाना, उसको टच मत करना, उससे बोलना कि अपना मोबाइल इसमें डाल दें। आई थिंक इन लोगों ने वो ड्रिल फॉलो की ताकि कोरोना से भी बचाव हो सके। और राजस्थान के करीब 17-18 जिलों में हमारी टीमें गई, आसपास के स्टेट्स में, यूपी में, हरियाणा में, वहाँ भी हमारी टीमें गई और वहाँ से ये सारे मोबाइल बरामद करके ले आई है जिसको कि आज वितरित किया जाएगा।